नमस्कार दोस्तों, निफ्टी चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने एग्जैक्टली बताया था कि ये जो एम्मा डैम है यहाँ पे, ये एरिया, ये एम्मा डैम वाला, यहीं से अपवर्ड मूवमेंट आएगी। और यहाँ पे मैंने कमेंट्री में भी सुबह सुबह बता दिया था कि सिर्फ एम्मा वेम्मा पर ही बाय करना और कहीं पर बाय मत करना। और आपने देखा, वहीं से एग्जैक्टली मार्केट उठी और हमें एक छोटा सा नन्ना सा प्रॉफिट जरूर हुआ, मतलब 250 से 330 तक। और इतनी टाइट मार्केट में हमें इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया, ये भी काफ़ी होता है। मैंने हमेशा समझाया है कि बजाय कि स्कॉल्पिंग ट्रेडिंग है, अरे ये कैंडल ऊपर चली गई, ले लो ले लो ले लो, और निकल गई निकल गई। तो ऐसी चीज़ें करने से बेहतर है कि पोजिशनल ट्रेड लो हमेशा, एक सपोर्ट से लेकर एक रेजिस्टेंस तक। तो सपोर्ट जो कि एम्मा डेमा थी, और रेजिस्टेंस था जहां पर कॉल राइटर खड़ा था 19,300 पे। तो इस तरह से ट्रेड लिया करो ना, तो आप बेफालतू में बिना मतलब के माथा पच्ची करेंगे और ना ही बेफालतू की ब्रोकरेज आपकी खर्च होगी। तो इस तरह से आपको इतना अच्छा एक प्रॉफिट भी मिला। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है वो जरूर क्लिक कीजिए। उसके अलावा नीचे जो डीमैट अकाउंट के लिंक दिए हैं, वहां पर अपना डीमैट अकाउंट खोलिए और ट्रेडिंग को इंजॉय कीजिए। उनमें खासियत ऐसी है, एक तो आपके वो अकाउंट फ्री में खुलेगा, दूसरा वहां पर एक अच्छी परफॉर्मेंस वाले जो कंपनीज हैं उनके लिंक दिए गए हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में क्या बताया था कि इसके नीचे 43,303 के 13 के नीचे एक डाउनसाइड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, और वही हुआ, डाउनसाइड मूवमेंट ही आई। और एग्जैक्टली 100 एमा से मैंने बताया था कि यहाँ से फिर अपवर्ड मूवमेंट आएगी, और ये भी कहा था कि ये इसकी ट्रेडिंग रेंज रहेगी। और आपने देखा, वही ट्रेडिंग रेंज रही, वहीं से डाउनसाइड मूवमेंट, नीचे नीचे से वही अपवर्ड मूवमेंट, मतलब दोनों साइड हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद फिन निफ्टी में अगर आए तो फिन निफ्टी में भी यही कहा था कि यहां से आपने 19,687 के नीचे आपने डाउनसाइड मूवमेंट को प्ले करना है, और हमें मिली बहुत अच्छी मूवमेंट। एग्जैक्टली वही एम्मा वेम्मा से बाइंग अपर मूवमेंट गई थी यहां से आने की, और वहीं से अपर मूवमेंट आई। तो इस तरह से हमें दोनों साइड काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ। आपको कल ही बता दिया था पिछली वीडियो में कि ऐसे 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 करके इस एरिए में ही ट्रेडिंग रेंज रहेगी, तो वही ट्रेडिंग रेंज उसमें रही भी, तो शानदार प्रॉफिट हुआ होगा आप सबको। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं थोड़ा स्टडी कि आखिर क्या क्या चल रहा है। देखिए, जहां तक फॉरेन इन्वेस्टर्स का सवाल है, वो तो पूरी तरह से नेगेटिव है, काफी बड़ी सेलिंग करके गए हैं वो। इस हिसाब से मुझे लगता है सेलिंग करके गए हैं कि अब 19,190, फिर 19,190 टूटेगा, फिर नीचे 19,000 तक रिट्रेसमेंट के लिए तैयारी करके गए, ऐसा लगता है। दूसरा, अब हम सेकंड चीज पे आते हैं। अगर हम देखें फिन निफ्टी, तो फिन निफ्टी भी 2 महीने बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब जाकर इसने ये इम्पोर्टेंट लेवल 19,265 के नीचे क्लोजिंग दी है, और ये काफी बड़ी नेगेटिविटी है। इसके नीचे क्लोजिंग देना, मतलब जो पीछे का लो लगा था उसके नीचे क्लोजिंग देना, मतलब एक बड़ा साइन है कि अब मार्केट में एक गिरावट आ सकती है। देखो, ये जो चार्ट बोल रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ, अभी मैं जो बोलूँगा वो मैं बाद में बताऊँगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं निफ्टी पर भी, एक बार निफ्टी भी आपको दिखाता हूँ, उसकी क्लोजिंग भी दिखानी काफ़ी ज़रूरी है। निफ्टी की भी क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो ये लेवल था 19,300, इसके नीचे एक भी बार क्लोजिंग नहीं आई थी, और आज क्लोजिंग आई है। मतलब एक राउंडिंग पैटर्न, ये देखिए राउंडिंग पैटर्न पे ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। ये देखिए, एक राउंडिंग पैटर्न मारा, राउंडिंग पैटर्न मारने के बाद एक आ रहा है ब्रेकडाउन। तो ये भी एक काफी बड़ा नेगेटिव साइन है, मतलब मार्केट नीचे गिरने के लिए तैयार है। एक इम्पोर्टेंट लेवल 19,300 के नीचे क्लोजिंग देना, तो एक तो ये चीज है। दूसरा, अगर हम ऑप्शन चेन में आए तो ऑप्शन चेन में भी आप देखेंगे कि अगर हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखें
तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी यही कह रही है। मैं थोड़ा उधर वो देख लेता हूँ बार चार्ट। हाँ 44,000, 44,000 पर ही पुट राइटिंग है, उससे पहले कहीं भी इतनी अच्छी पुट राइटिंग नहीं है। ये देखिए 1,71,000, 1,71,341 सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग यही, उससे पहले कहीं नहीं हुई, थोड़ी सी ज़्यादा हुई है 44,200। मतलब ऑप्शन चेन भी ये मान के चल रही है कि मार्केट में गिरावट आएगी और बैंक निफ्टी 44,000 की ओर जाएगी। ऊपर की ओर रेजिस्टेंस 44,500 पर काफ़ी खतरनाक है, उसके बाद 400 पर, 300 पर, हर जगह पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुई है। तो इससे पता चलता है कि मार्केट में जो कॉल राइटर है उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है और जो पुट राइटर है वो काफ़ी दूर खड़ा है। इस टाइम जहाँ पे मार्केट है, इस टाइम मार्केट है 44,230 पे और पुट राइटर खड़ा है 44,000 पे। मतलब नहीं तो 44,200 पे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होती, पर अगर हम देखें ना 44,200 पे, तो आप देखेंगे कि 82,000 पुट राइटर है और उधर 75,000 कॉल राइटर है। मतलब कॉल राइटर का इतना ज़्यादा जज्बा हाई है कि वो समझ रहा है कि मार्केट नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा है। अगर कॉल में भी देखें, देखिए कितनी बड़ी बड़ी गिरावटें हुई हैं, काफ़ी हाई गिरावट हुई है। तो इससे पता चलता है कि जो मार्केट है उसका बेरिश व्यू है मार्केट मार्केट पर। अभी चार्ट पे मैं समझाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है। सबसे पहले, उससे पहले हम एक ये भी चीज़ देख लेते हैं कि यूएस कहाँ पे खड़ा है। देखिए यूएस के हिसाब से तो उन्होंने पहले से ही इस चीज़ को काफ़ी फैक्टर आउट कर लिया था कि जो इस चीज़ को, जो कल उन्होंने भाषण देना था, जो पावल ने जो भाषण दिया वो सबको पहले ही पता था, होना क्या था वही हुआ। और सबने, इकोनॉमिस्ट ने भी यही सोचा कि हमें तैयार रहना चाहिए इंटरेस्ट रेट दरें बढ़ाने के लिए, और जब तक महंगाई कम नहीं होती तब तक हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। ये फंडा तो बिल्कुल था। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं आपकी जनरल नॉलेज के लिए, वो जरूर बतानी जरूरी है। देखिए इस टाइम एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, वो खेल आपके लिए समझना काफ़ी जरूरी है। देखिए एक तरफ तो सारी एशियन कंट्रीज हैं, अब हो का क्या रहा है कि डॉलर के मजबूत होने से, जितना ज़्यादा डॉलर मजबूत हो रहा है अमेरिका को इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है, और एशियन कंट्रीज का रुपया वीक हो रहा है क्योंकि उसकी इकोनॉमी, उसे लग रहा है कि खराब हो जाएगी आने वाले टाइम में। वो चाहते हैं कि एशिया की इकोनॉमी भी वीक हो, इसीलिए वो डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी इंटरेस्ट रेट दरें जानबूझकर बढ़ा रहा है। एक चीज़ और बता दूं, उसने जो 2% का टारगेट रखा है वो भी काफ़ी नीचे रखा हुआ है, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि अभी देखो टारगेट आया ही नहीं, टारगेट आया नहीं, देखो मजबूरी में इंटरेस्ट रेट दरें बढ़ानी पड़ रही हैं। तो इंटरेस्ट रेट दरें लगातार बढ़ा बढ़ा कर जो चाइना, जापान, रशिया, उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से हिला दी है। इवन हमारी इकोनॉमी भी हिल सकती है अगर ये इसी तरह लगा रहा, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दरें बढ़ाता जाएगा अमेरिका, उतना ज़्यादा प्रेशर इंडिया पर भी पड़ेगा एशियन कंट्रीज के साथ साथ, तो वो भी इंटरेस्ट रेट दरें बढ़ाएं। अगर हम इंटरेस्ट रेट दरें बढ़ाते हैं तो हमारी जीडीपी फिर कम हो जाएगी, और यही अमेरिका चाहता है। अभी इस टाइम 7% जीडीपी के एस्टीमेट हैं, जैसे कल भी एक बहुत बड़े फंड हाउसेस के मैनेजर ने ये तक कह दिया, और वो भी यूएस के फंड मैनेजर के, कि इंडिया 7% से लीड करेगा जीडीपी में और पूरे वर्ल्ड को लीडरशिप देने के लिए तैयार खड़ा लगता है। उसने यहाँ तक ये चीज़ बता दी है, कह दी है। तो इससे भी पता चलता है कि बड़े बड़े फंड हाउसेज जो अमेरिका के हैं वो भी पैसा लगाने के लिए इंडिया में तैयार खड़े हैं, पर जो अमेरिका कर रहा है वो काफ़ी हद तक एशियन कंट्रीज के लिए भी ठीक नहीं है। ये एक स्ट्रेटजी है उसकी, लगातार इंटरेस्ट रेट दरें बढ़ाते रहने की, ताकि डॉलर और ज़्यादा मजबूत होता जाए और बाकी करेंसीज टूटती है। यही कारण है कि ब्रिक्स के सम्मेलन में इस बार रुपये को ही सब कुछ डिस्कस किया गया है। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी पिछली वीडियो में कि ब्रिक्स का जो सम्मेलन है वो मेनली इसी चीज़ पर है कि ये आप रुपया अपना क्रिएट कीजिए, क्योंकि रशिया लगा लो, चाइना लगा लो और इंडिया लगा लो, उन तीनों देशों की इस बात पे सहमति है कि हमें हमारा अपना एक रुपया होना चाहिए। जैसे यूरोप ने एक यूरो बनाया है, वैसे ही एशिया का भी कोई ऐशिश उशिश कैसे करके कोई
अपना रुपया होना चाहिए जो डॉलर का मुकाबला कर सके। अगर एशिया अपना एक रुपया बना लेता है और उसी में ट्रेड करना शुरू कर देता है तो डॉलर काफ़ी बुरी तरह से गिर सकता है। ज़रूरत है इन चीज़ों की, और इसके लिए जो तीनों देशों के जो हेड हैं, मतलब कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, चाइना के राष्ट्रपति, अमेरिका के वो रशिया के राष्ट्रपति, तो उन्होंने तीनों ने ये कहा है कि अपने अपने बैंकों को, सारे जितने भी एशियन कंट्रीज, उनको कहा है कि अपने जितने भी बैंक्स हैं, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, उनको रिपोर्ट बनाने के लिए कहा जाए कि कैसे क्या करना है और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं रुपये, एक रुपया बनाने में या रुपये में इंटरनली ट्रेडिंग करने में। अभी इंटरनली रुपये में ट्रेडिंग तो काफ़ी ज़्यादा शुरू हो भी चुकी है। एशियन जो जितनी भी कंट्रीज हैं वो आपस में रुपये, अपने अपने रुपये में ट्रेड कर रहे हैं। अभी वो डॉलर में कन्वर्ट नहीं भी कर रहे हैं, पर अगर एक बार एक एक अपना इनका वो हो गया, एशिया का अपना रुपया, तो डॉलर काफ़ी बुरी तरह से फिर गिर सकता है, फिर एशियन कंट्रीज मजबूत भी हो सकती हैं। तो यही कारण है, ये एक जंग चल रही है रुपये की, इसे कहते हैं करेंसी वार, जो इस टाइम जो चल रही है, करेंसी वार चल रही है। और इस तरह से पावल की इंटरेस्ट रेट दरें लगातार बढ़ाते रहना भी इस स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। वो अलग बात है, आपने देखा होगा 3% GDP उनका CPI आ गया, फिर भी उनके तेवर वैसे के वैसे ही हैं कि हाँ हमें तैयार रहना चाहिए इंटरेस्ट रेट दरें बढ़ाने के लिए। तो ये एक अलग से एक कहते हैं ना कि एक अलग व्यू है घुमा के, कि एक ही सिक्के के दो पहलू, मैंने दूसरा पहलू भी आपको दिखा दिया है। एक चीज़ तो वो है कि महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ रही है, दूसरा सारी वॉर, करेंसी वॉर भी एक बहुत बड़ी चल रही है, एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है इस टाइम वर्ल्ड में करेंसी के पीछे, क्योंकि अकेला जो अमेरिका है वो इस लेवल पे डॉलर के मुकाबले में गुंडागर्दी कर रहा है। और जिस तरह से उसने टेक्नोलॉजी तैयार कर रखी है, चेस्ट भी उसके पास है कि सारा रुपया उसी के पास है पूरे वर्ल्ड का, तो इस तरह से इन चीज़ों को भी एशियन कंट्री सब पसंद नहीं कर रहे हैं कि उसकी गुंडागर्दी को चलाया जाए। तो वो तभी ख़त्म होगी अगर हमारी भी कोई अपनी करेंसी में पूरा एशिया ट्रेड करना शुरू कर। अब याद है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या भी एशिया में ही है, तो एशिया का प्रभुत्व ज्यादा है। तो चलिए, खैर ये चीजें भी आपको समझानी जरूरी थी, क्योंकि आने वाले टाइम में इन चीजों का स्टॉक मार्केट पर सीधा असर पड़ेगा, ये आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा भी। तो आइए अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पर, कि बैंक निफ्टी में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जैसे कि कल भी कहा था, आज फिर मैं कहूँगा कि जब तक एमए डेमे ना आ जाएं, तब तक अपवर्ड मूवमेंट के बारे में इस रेंज में बिल्कुल मत सोचिए कि आप कुछ बाय कर सकते हैं या कुछ सेल कर सकते हैं। सीधा यहीं पर ही अपनी ट्रेड को इनिशिएट किया कीजिए, और यहीं से लिया कीजिए जहाँ पे एमए डेमे होते हैं। 100 EMA खड़ा है, 100 EMA, और आपको पता है 100 EMA को पूरी पूरी रिस्पेक्ट दी जा रही है बैंक निफ्टी की ओर से। अब भी 100 EMA से ही मूवमेंट आई है, फिर से कल 100 EMA से ही मूवमेंट आ सकती है। नीचे स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए 43,650 का, ये याद रखना है, 43,650 का बड़ा स्टॉप लॉस बनता है। वैसे जिनके पास कैपिटल कम है, 100 EMA के नीचे ही, 100 EMA 43,930 पे, उसके नीचे ही 5-5 मिनट की 3 कैंडल भी लगा सकते हैं, और फिर बाहर भी हो सकते हैं अगर नीचे चले जाए, और फिर ऊपर आए फिर से एंट्री मार सकते हो आप। पर एक बार रिस्क हमने अपना कम रखना है जिनके पास कैपिटल कम है। जिनके पास कैपिटल ज़्यादा है वो 43,736 पर भी एक एवरेज बनाकर चल सकते हैं, मतलब थोड़े लोट यहाँ ले लो, थोड़े लोट यहाँ ले लो, क्योंकि यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी स्पोर्ट है। आपको याद होगा पहले 100 EMA यहाँ था, तो 100 EMA ने यहाँ पे स्पोर्ट बना दी, धीरे धीरे 100 EMA खुद ऊपर आ गया, तो इस तरह से यहाँ पर भी एक अच्छी खासी स्पोर्ट है। हाँ, अगर ये एरिया टूटता है तो फिर एक स्वेयर पेन क्रिएट हो जाएगा मार्केट में। और देखिए, जब ये इतने सारे MA DMA टूटेंगे तो फिर ये क्लियर ही हो जाएगा कि हाँ मार्केट तो अब नीचे ही जाना चाहती है। तो 43,600 जैसे ही टूटेगा, एक डाउन साइड मूवमेंट आपको मिलेगी 43,422 तक। यहाँ से एक छोटा सा गेन आपको मिल सकता है 43,600 तक, अपवर्ड मूवमेंट मिल सकती है 43,422 के आसपास। और अगर ये 422 भी टूट गया, फिर तो फ्लो इतना तेज होगा कि 43,282, 42,853 मिनटों सेकेंटों में आपको नीचे की ओर सीधा जाके 42,850 पर ही ये गाड़ी जाकर ब्रेक लगेगी, और यहीं से फिर नेक्स्ट मोमेंट तैयार होगी, और फिर ये
ट्रेडिंग रेंज बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी? 42,850 से लेकर 43,400-45,000 तक की रेंज, अगर वो एमए डैमे टूटे। अब आते हैं ऊपर की ओर, बीच में तो बता दिया कि यहाँ आपने क्या करना है। ऊपर की ओर जब तक देखिए 43,550 के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाती, 560 के ऊपर 5 मिनट की 3 गैन सस्टेन नहीं होती, तब तक आपने अपर मूवमेंट प्ले नहीं करनी है। फिर यहीं से अपर मूवमेंट बनती है जो आपको लेकर जाएगी 43,4775, 44,830 और 44,937 और 45,021 तक आपको मिल सकता है। पर याद रहे 44,830 पर ही आपने पहले एक डाउन साइड मूवमेंट भी लेनी है, फिर आपको 15-20-50 पॉइंट मिलेंगे, फिर से निकल जाना है, फिर 830 के ऊपर आपको फिर 45,000 तक भी 45,131 तक भी मिल सकता है। पर ध्यान रखना कि 44,937 45,021 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आपको पता होगा कि पहले भी मार्केट वहीं से रिवर्स मुड़ी है और फिर वहीं से नीचे आएगी, मतलब हमेशा प्राइस एक्शन को मूव किया गया। ये मत सोचा कि मार्केट किधर जाएगी, ऊपर जाएगी अब नीचे जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट चलती है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, मार्केट चलती है एक पैकेज, उसके पैकेज बने हुए छोटे छोटे, उन्हीं के बीच में चला। आपने देखा ना कल भी एक पैकेज के बीच में घूमी, जो पैकेज मैंने दिया था वही पैकेज के बीच में घूमी, ऊपर नीचे चलती रही। तो आइए अब हम आते हैं निफ्टी पर कि निफ्टी पर हमने क्या करना है। देखिए निफ्टी में अगर हम ऑप्शन चेन को देखें तो ऑप्शन चेन ये कह रही है कि 19,300 से लेकर ऊपर तक सभी जगह 500 तक अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। 500 पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है 2,50,000 और उसके बाद 2 लाख है 90,300 पर ही, और 90,400 पर भी कॉल राइटिंग अच्छी खासी है, पर उससे थोड़ी सी कम है 300 से, मतलब 300 पे ज़्यादा एक्टिव है कॉल राइटर। नीचे की ओर 19,200 पर अच्छी खासी पुट राइटिंग है, वो क्यों है वो आप सब जानते हैं, एमा वेमा की वजह से है, ठीक है ना, 250 के आसपास है ना एमा वेमा, तो इसलिए 200 पर पुट राइटिंग हो रही है। और फिर अगर 200 टूटता है तो सीधा जाकर 19,000 के चांसेस बने, इसलिए 19,000 पर ही सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग नजर आएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑप्शन चेन करिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि नीचे कौन कौन से लेवल आपको मिलेंगे अगर हमारे फेवरेट लेवल 250-265 टूटते हैं। देखिए अब एक काम हुआ है जो कि काफ़ी गलत हुआ है। हुआ क्या है कि मार्केट ने नीचे क्लोजिंग तो दी दी है, अब ये दोनों एमा वेमा काफ़ी दूर दूर हो गए, मतलब कमज़ोर हो गए। कहते हैं ना कि किसी को हराना हो तो उसकी उसके बीच में दुश्मनी डाल दो, उन्हें अलग अलग कर दो, तो ये मार्केट ने इन दोनों को अलग अलग कर दिया है, काफ़ी दूर ला के खड़ा कर दिया है। पहले ये 250 की जगह 260 पे था और ये 50 वेमा भी 275 पे था, दोनों इकट्ठे हो रखे थे एक जगह पे, अब दूर दूर हो गए हैं, अब इनके टूटने की गुंजाइश भी बढ़ गई है। 10 वेमा पर अभी मैंने वैसे लिख तो दिया अपवर्ड मूवमेंट, तो आपको पता है 265 पर ही तो क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट आने के चांसेस तो वैसे भी कम है। फिर भी टेक्निकली रूल के अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट जो कहती है कि वेमा हमेशा बाय किया जाता है, फिर भी यहाँ पे एक अपवर्ड मूवमेंट तो बनती है, वो है 250 जैसे ही टूटे फटाफट निकल जाना। इसके ऊपर ऊपर आपको एक स्विंग मिल सकता है ऊपर की ओर जो लेकर जा सकता है 320 और 345 और 360-371, मतलब कल की रेंज आपको फिर से ये वाली मिल सकती है जिस हिसाब से डाउ फ्यूचर रिकवर हुआ है। डाउ फ्यूचर आपको दिखाई है चार्ट में नीचे के लेवल से रिकवर हुआ है क्योंकि उसने पहले से कैश आउट कर रखा था इस चीज़ को कि इंटरेस्ट रेट दरें बढ़ेंगी, और यही कारण था कि जो हमारी भी मार्केट है मेरे हिसाब से 19600 से 19250 तक आ गई, मतलब 350 पॉइंट टूट चुकी है, तो उसने भी इस चीज़ को दो दिनों में जब गिरावट आई है तो इस चीज़ को पहले से कैश आउट कर लिया है। तो 19250 से 19370 एक तो ये ट्रेडिंग रेंज बनती है जिसके बीच में मार्केट घूम सकती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि 250 पर 10 वेमा खड़ा है और ऊपर 350-360-371 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो 371 के ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखना है 385 का, और नीचे की ओर आपने 250 से जो बाय करना है वो 250 के नीचे ही 5 मिनट की 3 कैंडल का स्टॉप लॉस। और जैसे कि मैंने उस दिन भी कहा था कि 19230 सुबह सुबह कमेंट्री में बताया था, तो आपने देखा एग्जैक्टली 19230 19,230 से ही वहीं से ही रिकवर हुई वहाँ से मार्केट। तो 19230 काफ़ी इंपॉर्टेंट है
हालांकि आप लोग कईयों से सुनते हैं 1950, मैं शुरू से कह रहा हूँ 1930 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अब जो इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि 1930 से 1965 से 35 पॉइंट ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, तो इसलिए अब एक नया लेवल आपके सामने मैं रख रहा हूँ, वो है 19220। अब 19,220 के नीचे मूवमेंट को आप डाउन साइड मूवमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ये नीचे की ओर 19,209 और 19,191 तक ही एक छोटी सी नन्ही सी डाउन साइड मूवमेंट मिल सकती है आपको, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं। तो ये मत सोचना कि बहुत बड़ा गिरावट आ जाएगी 19,220 के नीचे, नो, क्योंकि मार्केट काफ़ी धीरे 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 गिर रही है, नहीं तो स्पीड अगर तेज होती ना तो फिर गिरावट तेज आती, अभी नहीं, अभी गिरावट तेज आएगी 19,169 के मेरे हिसाब से, कि 19,191 के नीचे भी आप डाउन साइड मूव प्ले कर सकते हैं, पर यहाँ स्पीड कम होगी, एकदम से तेज स्पीड होगी 19,169 के नीचे, और वो सीधी आपको कहाँ लेकर जाएगी अभी दिखाते हैं, काफ़ी नीचे तक लेकर जाएगी, काफ़ी नीचे तक, कहाँ तक, 19,011 और 18,917 तक ये आपको खींच के लेकर जा सकती है। और 18,906 पे क्या है, 20 वेमा, जहां वेमा आ जाए वहीं पे अपसाइड मोमेंट हमेशा चांसेस रहते हैं। जब हम 19,164 के 9 टूटा तो आपको नीचे क्या क्या मिलेगा, 139, 106, 19,011 और 18,917 तक की गिरावट आपको फिर दिख सकती है, मतलब एक शार्प सेलिंग, जैसे बैंक निफ्टी में बताया वैसे ही इसमें भी आपको देखने को मिल सकती है। ये तो था डाउन साइड हमने डिस्कस कर लिया, और फ्लैट अगर रहे मार्केट तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कौन से लेवल हैं जहाँ पर हम अपसाइड मूवमेंट या हम कह दें कि ब्रेकआउट आ जाएगा। देखिए जहाँ तक सवाल है 19,436 20 एमा, यहाँ से भी डाउनसाइड मूवमेंट के चांसेस रहेंगे, और फिर 19,401 यहाँ से भी एक डाउनसाइड मूवमेंट के चांसेस रहेंगे। तो ये सारे 370, 400, 436 इन सारे एरिया पे आपने डाउनसाइड मूवमेंट ही एक्सपेक्ट करनी है, ज़्यादा जोश में नहीं आ जाना कि 370 निकल गया, 400 निकल गया, अब तो मार्केट भागेगी, ना, 450 तक कोई चांसेस नहीं है। सिर्फ एक ही लाइन याद रखिए, 450 के ऊपर ही आप एक अपसाइड मूवमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ये लगातार फिर आपको ऊपर की ओर लेकर जाएगी मार्केट, और फिर रेजिस्टेंस जो अगला आएगा, जो अभी अभी पिछला रेजिस्टेंस जहां से मार्केट गिरी है, कहां से गिरी थी, 584 से, तो वहीं से आप फिर से आपको एक डाउन साइड मोमेंट छोटा समझ सकता है, पर इस बार छोटा मिलेगा, बड़ा नहीं, पिछली बार तो काफ़ी बड़ा आया था, एक ही दिन में मार्केट गिरती धीरे धीरे गिरती चली गई, पर अब ज़्यादा नहीं मिलेगा, 523 तक ही मिलेगा, फिर से आपको दोबारा फिर से एक अपसाइड मोमेंट ही मिलेगी जो आपको लेके जाएगी 660 की ओर, मतलब यहाँ तक भी मार्केट के पहुँचने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ऐसी बात नहीं है। जब तक मार्केट 19,200 से 190 के ऊपर है, याद रखना मार्केट के चांसेस रहेंगे ऊपर की ओर मूवमेंट के, और जैसे ही 19,190 एक बार टूट गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राउंडिंग पैटर्न पे ब्रेकडाउन तो आ चुका है, टेक्निकली मार्केट वीक हो चुकी है, पर नीचे के लेवल्स पे 19,190 क्यों है इम्पोर्टेंट, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये देखिए 19,190 के ऊपर एक बड़ा गैप अप हुआ था, और हो सकता है फिर मार्केट इस गैप को फिल करे 19,230 से 19,190 के बीच में, ये वाला जो गैप मिला था ना उस दिन, इस गैप को वो फिल करने भी आ सकती है, और अगर ये फिल हो गया, और हो सकता है फिल करके फिर ऊपर की ओर निकल जाए, क्योंकि एक गैप पीछे छोड़ के आई है, हमेशा मार्केट गैप को फिल करने जरूर जाती है पीछे, तो वो वाला भी हो सकता है कि उसके लिए आ रही हो, मतलब उसका अपना पर्सनल काम हो, अपने पर्सनल काम आएगी, अपना ऊपर चली जाएगी, ये भी हो सकता है। तो अभी हम, ये तो मजाक वाली बात है, बाकी ये है कि गैप को फिल करने मार्केट आ सकती है, वो गैप एक बार फिल हो गया फिर वो ऊपर जा सकती है, पर उसके बाद चार्ट काफ़ी वीक हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये था पूरा ट्रेड सेटअप निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।